रिलायंस जियो ने अब अपना खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया है। इस नए वेब ब्राउजर को कंपनी ने जियो पेजेस के नाम से मार्केट में उतारा है। कंपनी का दावा है कि उसका नया वेब ब्राउजर तेज होने के साथ साथ पूरी तरह से सुरक्षित भी है। दरअसल इससे पहले कंपनी ने जियो ब्राउजर लॉन्च किया था, जिसे कोई खास अट्रैक्शन नहीं मिल पाया। अब जियो ब्राउजर की जगह कंपनी जियो पेजेस लेकर आई है। जियो ब्राउजर के मुकाबले इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। डेटा सिक्योरिटी को लेकर छिड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस और चीनी कंपनी यूसी वेब ब्राउजर पर बैन के बीच रिलायंस जियो ने मौका देखते हुए जियो पेजेस को मार्केट में उतारा है। जियो पेजेस की प्राइवेसी को लेकर कंपनी ने कहा है कि दूसरे ब्राउजर्स के मुकाबले ये यूजर्स को डेटा प्राइवेसी के साथ अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है। जियो पेजेस को दरअसल क्रोमियम ब्लिंक इंजन पर डेवलप किया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये फास्ट पेज लोड करता है, मीडिया स्ट्रीमिंग एफिशिएंट है और यूजर्स को एनक्रिप्टेड कनेक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड मोबाइल वेब ब्राउजर की तरह इसमें भी आप किसी भी सर्च इंजन को डिफॉल्ट बना सकते हैं। इसमें डार्क थीम भी दिया गया है। जियो पेजेस को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। अंग्रेजी के अलावा 8 भारतीय भाषाओं में काम करने की क्षमता के बदौलत इसे पूरी तरह से स्वदेशी कहा जा रहा है। हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को जियो पेजेस पूरी तरह से सपोर्ट करता है। जियो पेजेस को पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिलेंगे। यहाँ आप अपनी दिलचस्पी के हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं और फीड में इसी लिहाज से आपको न्यूज स्टोरीज दिखेंगी। पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन, पर्सनलाइज्ड थीम, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कार्ड्स, भारतीय भाषा के कंटेंट, एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर, इनकॉग्निटो मोड और एड ब्लॉकर जैसी सुविधाएं भी ग्राहकों को जियो पेजेस में मिलेंगी।